हेलो व्यूअर्स, आई एम रविकांत भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुविधा 2010। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि 8 बोर्ड में परीक्षा होने जा रहा है और इस परीक्षा में ओएमआर शीट के द्वारा उत्तर पत्रक भराया जाएगा। तो उत्तर पत्रक यानी कि ओएमआर शीट कैसा होगा, समय कितना लगेगा, कितना प्रश्नों का उत्तर देना होगा, ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बारी बारी से जानकारी देंगे। शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप समझ सके कि ओएमआर शीट कैसे भराया जाएगा और बच्चों को सही तरीके से इसका प्रशिक्षण कैसे देंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को जरूर शुरू से अंत तक देखें। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। ये है ओएमआर शीट का सैंपल पत्र। ओएमआर शीट के पृष्ठ संख्या 1 में सबसे ऊपरी भाग में झारखंड अधिविद परिषद रांची कक्षा 8 की परीक्षा हेतु सैंपल ओएमआर परीक्षा वर्ष 18-19 अंकित रहेगा और इसके नीचे कुछ दिशा निर्देश दिया रहेगा कि आप इस ओएमआर शीट को किस प्रकार व्यवहार करेंगे, किस प्रकार उपयोग करेंगे, कैसे भरेंगे। तो चलिए देखते हैं उस दिशा निर्देश को। ओएमआर शीट में जो निर्देश दिया गया है वो विशेष करके छात्रों के लिए दिया गया है। इसका जो परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी। दूसरा है, परीक्षार्थी एडमिट कार्ड में दिए गए सूचना सही रूप से मिलान करने के उपरांत ही परीक्षार्थी उत्तर पत्रक भरेंगे। सूचना में किसी तरह के असमानता मिलने पर शिक्षक को तुरंत सूचित करेंगे और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों को सही विकल्प चुनकर उसमें गहरा काला या नीला रंग भरेंगे। इसमें हम सामाजिक विज्ञान से एक प्रश्न एक उदाहरण के तौर पर लेकर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें प्रश्न संख्या 1 में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कि भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है, उत्तर में 1 नंबर में जवाहरलाल नेहरू, 2 नंबर में है सरदार वल्लभ भाई पटेल, 3 नंबर में है महात्मा गांधी और 4 नंबर में है सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का उत्तर, सही उत्तर होगा 2 नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर हम लोग ओएमआर शीट में कैसे भरेंगे। ओएमआर शीट में दिए गए विकल्प 1, 2, 3, 4 दिया हुआ रहेगा और उसमें हम लोग अगर 2 को सही मान के करेंगे तो इस तरह से 2 नंबर को ब्लैक या ब्लू पेन से भर देंगे। ये सही तरीका हुआ। अगर आप इस तरीका को इस्तेमाल करते हैं तो आपका प्रश्न को जांचा जाएगा और नंबर दिया जाएगा। इसका गलत तरीका होगा, वो गलत तरीका लोग देख लेते हैं कि गलत कहां होगा। चलिए देखते हैं, इसका विकल्प जो है विकल्प 1, 2, 3 में से अगर 2 नंबर को टिक मार्क से टिक करते हैं तो ये होता है गलत तरीका और इसमें आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाला है। अगर हम लोग विकल्प संख्या 1, 2, 3, 4 में से अगर 2 नंबर सही है और सही के ऊपर क्रॉस मार्क देते हैं तो ये भी एक गलत तरीका होगा और इस स्थिति में भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। उत्तर पत्रक में अंकित 1, 2, 3, 4 विकल्पों में से 2 को सही मानते हुए अगर हम लोग इसको पूर्णतः काला नहीं करके इसको आधा अधूरा छोड़ देंगे तो ये गलत तरीका होगा और इसमें भी आपको अंक नहीं मिलने वाला है। आगे जो दिशा निर्देश दिया गया है उसमें कहा गया है कि गोले को पूर्णतः गहरा काला या नीला चिन्हित करें, सावधानी पूर्वक सभी विवरण को ओएमआर उत्तर पत्रक पर भरें, प्रत्येक प्रश्न की अधिमानता 1 अंक की है, इस ओएमआर उत्तर पत्रक को ना मोड़े, नीला या काला बॉल पॉइंट कलम अथवा HB डार्क पेंसिल का ही प्रयोग करें, बॉक्स के बाहर कुछ ना लिखें और ना ही कुछ चिन्हित करें, ओएमआर उत्तर पत्रक पर रफ कार्य न करें, कृपया ओएमआर उत्तर पत्रक परीक्षा भवन छोड़ने से पहले शिक्षक को सौंप दें, ऊपरी वर्णित निर्देशों के पालन नहीं करने की स्थिति में आपका ओएमआर उत्तर पत्रक अमान्य होगा और जांच नहीं की जाएगी।
तो ये रहा सामान्य निर्देश। और अब हम लोग देखेंगे उत्तर पत्रक ओएमआर शीट कैसा रहेगा। ये अभ्यास के लिए सैंपल ओएमआर उत्तर पत्रक है। इसमें पहला पार्ट जो है छात्रों का विवरणी भरा जाएगा, जिसमें सबसे पहले लेफ्ट साइड कोना में यूडाइस कोड आपको भरना है। इसमें यूडाइस कोड भरना है, उसके जस्ट नीचे रोल नंबर भरना होगा, और राइट साइड कोना में सबसे ऊपर विद्यालय का नाम, उसके नीचे परीक्षार्थी का नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, प्रखंड का नाम और जिला का नाम भरना होगा। ठीक उसके नीचे परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर होगा। उसके नीचे एक साइड में रहेगा वीक्षक का हस्ताक्षर और दूसरा साइड में रहेगा केंद्राधीक्षक का पूर्ण हस्ताक्षर। और उसके जो ओएमआर शीट का दूसरा पार्ट है, इसमें आपको ये पहला पार्ट छात्रों का विवरणी होगा और दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे। ये ओएमआर शीट का दूसरा पार्ट है, जिसमें एक सिरे में एक से लेके 20, उसके बाद 40, 60, 80 और 100, कुल 100 प्रश्नों का विकल्प संख्या के साथ दिया रहेगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प 1, 2, 3, 4 रहेगा और सही उत्तर के सामने एक गोला रहेगा, उस गोला को काला करना है। जो काला करने के लिए आप काला HB पेंसिल या बॉल पेन या ब्लू बॉल पेन का उपयोग कर सकते हैं। तो ये रहा पूरा OMR शीट का डिटेल। तो दोस्तों ये ध्यान में रखना है कि विच्छक हस्ताक्षर करने के पूर्व या सुनिश्चित करें कि OMR उत्तर पत्रक पर अंकित या मुद्रित सूचना संबंधित छात्र का ही है, ये शिक्षक को सुनिश्चित करना होगा। तो ये रहा पूरा हमारे OMR शीट का एक सैंपल पत्र। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फायदा मिल सके। और इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि सबसे पहले इस तरह का वीडियो आपके समक्ष पहुंच सके। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।